हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो अभी अभी कुछ एक दो घंटे पहले आई है। ओके, कुछ वायलेशन से रिलेटेड न्यूज़ आई है। ओके, और उससे कोई शेयर जिन एक्चुअली वो जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है, उससे कुछ शेयर होल्डर्स को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ वायलेशन की वजह से। तो इससे रिलेटेड हम कुछ बातें करने वाले हैं। ओके, ये पेटीएम से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि आपको शायद पता भी चल गया होगा आपके पास। तो पेटीएम, जैसे कि आपको पता है, इन्वेस्टमेंट भी कराता है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करवाता है। ओके, उसके खुद अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कराता है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वहाँ पर भी काफ़ी सारे, आई थिंक 6 लाख और समथिंग उसके शेयर होल्डर्स, मतलब उनके डीमैट अकाउंट के थ्रू, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है। ओके, जिस वजह से हम उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, ताकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर मिल सके। तो आइए उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, पेटीएम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू ट्रांसफर मनी। ओके, एज वेल एज शॉपिंग के मतलब से, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप इसके थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू। पेटीएम में आपको पता होगा, पेटीएम का खुद का गेम का भी एक एप्लीकेशन है, एज वेल एज वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करना। ओके, आप एक वॉलेट भी ये प्रोवाइड करता है जिसमें, और ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस और लोन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे काम करता है पेटीएम। जैसे कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रो भी हुआ है, और ये इन्वेस्टमेंट का भी करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप, लगभग जैसे कि 60 लाख यूजर्स ट्रस्ट अस ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, तो लगभग 60 लाख इसके यूजर्स भी है। ओके, जो इसके थ्रू स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ओके, एनपीएस रिटायरमेंट फंड्स में, डिफरेंट जगह पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, तो आज एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, और कुछ बातें हम शेयर भी करेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है ये कि गूगल रिमूव्स पेटीएम ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर पॉलिसी वायलेशन। तो आपको जैसे कि पता ही है कि पेटीएम ऐप या फिर जो दूसरे ऐप्स होते हैं, आपको कहाँ कहाँ से, आपको गूगल पे से आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, एज वेल एज अगर आईफोन वाले हैं तो उनका अलग से एक स्टोर होता है। ओके, आईफोन का, तो वहाँ से आप स्टोर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं, और फिर उसके बाद आप इसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल कि क्या ये गूगल पे ने ही इसे वायलेट, मतलब हटाया है, रिमूव्स किया है अपने ऐप प्ले स्टोर से, या फिर आईफोन ने भी किया है। तो इससे बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वायलेशन क्या है, इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या हमारा पैसा डूब तो नहीं गया, क्या इंश्योरेंस वगैरह हम शेयर बाजार से रिलेटेड जो इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ वायलेशन तो नहीं हुआ कि कुछ इसने किया है पेटीएम ने। तो आज ये बात कर लेते हैं सिंपल। तो जैसे कि आपको पता है, गूगल ऑन फ्राइडे सेड इट हैज़ रिमूव, तो गूगल ने अभी ट्वीट किया था। ओके, और बताया था कि हाँ भाई, हम पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से हटा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एक वायलेशन की है उन्होंने बैटिंग एक्टिविटी से, स्पोर्ट बैटिंग एक्टिविटी। जैसे कि आपको आजकल पता ही है कि कल से आईपीएल भी शुरू होने वाले हैं। ओके, सो बैटिंग करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बैटिंग इज़ नॉट गुड, ओके, फॉर एनी कंट्री और फॉर एनी पीपल इवन। तो इसलिए इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि पेटीएम उसे सपोर्ट कर रहा है बैटिंग करने के लिए, किसी थ्रू, दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ऐप से करने के लिए, कि हाँ हमारे ऐप से बैटिंग करिए। ओके, तो इसके लिए पेटीएम ने, गूगल स्टोर ने, ओके, प्ले स्टोर ने, गूगल ने इसे हटा दिया पेटीएम ऐप को। तो क्या होगा, देखिए अब इससे रिलेटेड क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। तो पेटीएम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड अभी के लिए। ओके, आपको पेटीएम मिलेगा नहीं अगर कोई नया डाउनलोड करना चाह रहा है या अपडेट करना चाह रहा है, इसके लिए आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पर आपको बताना चाहता हूँ, बट देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग यूजर्स ऑफ द ऐप। बट जिनके ऐप ऑलरेडी है, ओके, वो यूज़ कर पाएंगे। ओके, उसे कोई किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, एज वेल एज जिनके उन ऐप जैसे वॉलेट में पैसे पड़े रहते हैं, ओके, अगर वॉलेट में भी पैसे हैं तो उसको भी कोई हार्म नहीं होगा, वो भी एज इट इज़ रहेंगे। तो देखिए और पढ़ लेते हैं। द ऐप विल ब्लॉक फ्रॉम
फॉर वायलेशन ऑफ प्ले पॉलिसीज। तो इसका एक प्ले पॉलिसीज है, मतलब आपको पता ही है जैसे कि प्ले स्टोर पर डिफरेंट डिफरेंट गेम मिलेंगे, तो कुछ पॉलिसीज कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ही हर कोई, ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया किसी ने भी डाल दिया और किस कोई भी डाउनलोड, क्योंकि इससे क्या होगा कि कल को कुछ मिसहैपनिंग हो गई, ओके, तो आप सीधे ब्लेम गूगल प्ले स्टोर को करेंगे कि इस तरीके का ऐप क्यों रख रखा है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेटीएम ने एक वॉयलेशन किया है प्ले स्टोर में गेम से रिलेटेड, जो कि देख लीजिए, एक क्लैरिफिकेशन ऑफ आर पॉलिसी वाज रिलीज अर्लियर टुडे अहेड ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट। ओके, जैसे कि कल आईपीएल आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि हम इस ब्लॉक को, इसने प्ले पॉलिसी से रिलेटेड कुछ वॉयलेशन किया है इस ऐप ने, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। तो गूगल सैड इन एन ईमेल रेस्पॉन्ड ऑन फ्राइडे, तो गूगल ने एक ईमेल सेंड किया है, उसका उसका रिप्लाई भी किया है। और गूगल ऑल्सो सेड दैट ओनली द ऐप अवेलेबिलिटी ऑन प्ले स्टोर इज इम्पैक्टेड एंड देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन यूजर्स। ओके, सो जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि उन पे ही इफेक्ट होगा जो कि ऑलरेडी जो अभी नया नए यूजर्स उसे अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, जो ऑलरेडी है उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन अ ट्वीट पेटीएम सेड, तो पेटीएम ने भी अपना एक ट्वीट किया है, पेटीएम एंड्रॉयड ऐप इज टेम्परेली अनवेलेबल। तो उन्होंने कहा है कि एक केवल टेम्परेली अवेलेबल है, ओके, कुछ समय के लिए शायद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बट जो ऑलरेडी यूजर्स है उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो इट विल बी बैक वेरी सून, ओके, ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ओके, एंड ऑल योर मनी इज कम्प्लीटली सेफ एंड यू कैन कंटिन्यू टू एन्जॉय पेटीएम ऐप एज नॉर्मल इट एड। तो आप जो पुराने कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को, वो कंटिन्यू कर पाएंगे नॉर्मली ही जैसे करते हैं। तो उनका जैसे पेटीएम इज़ पॉपुलर ऐप फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये ऑलरेडी हमें पता ही है। तो इन ए ब्लॉग ऑन फ्राइडे गूगल सैड इट डज नॉट अलाउ एप्स फैसिलिटिंग स्पोर्ट्स बैटिंग एंड विल रिकवर सच एप्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ओके, तो गूगल ने साफ कह दिया है कि हम इस तरीके के जो बैटिंग करने के लिए कुछ, अगर ऐप ऐस कोई ऐप बैटिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ये सिंपल हटा दिया है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, वी डोंट अलाउ ऑनलाइन कशीनो। तो ऑनलाइन कशीनो के लिए को भी अलाउ नहीं करते, और सपोर्ट एनी अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग एप्स। ओके, और गैम्बलिंग ऐप को भी वो सपोर्ट नहीं करते। ओके, तो इससे रिलेटेड इसलिए शायद पेटीएम कुछ करने वाला होगा, या मेरे ख्याल से जैसे कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, तो बाहर से कोई किसी एक ऐप्स के थ्रू, मतलब कोई एक्सटर्नली सोर्सेस के थ्रू वो पेटीएम के थ्रू बैटिंग कराना चाहता था, शायद इस वजह से इन्होंने ये ऐप को हटा दिया है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये चैनल शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और ऑलरेडी मैंने आपको इसलिए वॉर्न करने के लिए बताया था कि जैसे कि 60 लाख यूजर्स, ओके, पेटीएम के थ्रू म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट हैं, एनपीएस रिटायरमेंट फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं पेटीएम के थ्रू। तो ये न्यूज़ आ गई थी, ओके, और इस तरीके का वॉयलेशन होता है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इस पे पेटीएम पे बिलीव नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्टेड है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिंपली इन्वेस्टमेंट करिए बड़े बड़े ब्रोकर्स के थ्रू, ओके, या जैसे कि आपको ज़ेरोधा पता है, ओके, एंजल ब्रोकिंग पता है, बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स मिल जाएंगी, ओके, जो नंबर वन भी है, जैसे कि ज़ेरोधा नंबर वन है, एंजल ब्रोकिंग नंबर वन है, इतने सारे ब्रोकिंग फर्म है, मोतीलाल ओसवाल है, तो उनके थ्रू जाके आप करिए। ये आप छोटे मोटे किसी भी मीडियम के थ्रू, ओके, जाके मत करिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा फंसने की चांसेस रह सकते हैं। अभी तो ये बड़ा नाम भी है, ओके, और अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके शायद उस पे भी, इन्वेस्टमेंट पे भी आ जाए। तो मेरा मकसद सिंपल ही ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी के थ्रू, तो आप बड़ी बड़ी एक प्रॉपर वे से जाइए, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो होता है, एक अच्छा पहले सर्च कर लीजिए गूगल पे, वो इज़ द लाइक जो सबसे अच्छे ब्रोकिंग फर्म है, कहाँ डीमेट ओपन कराना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर इसके थ्रू जाएंगे तो वो एक अच्छा भी रहेगा। पेटीएम हालांकि बहुत बड़ा भी है और ऐसा कुछ होने भी नहीं देगा, बट फिर भी एक जैसे वॉयलेशन है और इतने सारे जैसे कि 60 लाख कस्टमर्स है इसके, 60 लाख यूजर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो पैसों से रिलेटेड बातें हैं, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के आप ये सब करिए। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी, इसलिए मुझे इस पे वीडियो बनानी पड़ी कि गूगल ने क्यों हटा दिया। आपको भी पता होनी चाहिए ये न्यूज़, ताकि
कल को कुछ होता है मिस हैपनिंग, तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो हमारे इन्वेस्टमेंट से। तो यही सारी बातें थी। और बाकी आईफोन से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ कि आईफोन ने किसी तरीके का इस पे वॉयलेशन चार्जेस नहीं डाला है। ओके, उन्होंने अपना एप्लीकेशन हटाया नहीं है जो आईफोन वाले हैं। ओके, जो अलग से उनका ऐप, जैसे प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करते हैं, ऐसे आईफोन में कुछ उनका एप्लीकेशन होता है, उनका अलग से प्लेटफॉर्म होता है आईफोन का, तो वहाँ से आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन वालों के लिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, वो जो एग्जिस्टिंग है उनके तो वैसे भी ऑलरेडी, एंड्रॉयड वालों को ये प्रॉब्लम नहीं है, बट आईफोन वालों को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई इसी तरीके का वायोलेशन की कोई रिपोर्ट करी नहीं है। सो दैट्स इज दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये हमारा शेयर बाजार से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पैसों से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ खबर होती है तो हमें बताना पड़ता है। तो वही सारा कंसर्न है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप एज इट इज़ यूज़ करिए जैसे आप करते आए हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर, और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए इस चैनल को, इस वीडियो को, हमारी को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अच्छी जगह ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, एज वेल एज मेरे और दूसरे वीडियोस देखिए कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कौन से ब्रोकर अच्छे हैं ताकि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकें, और जो मार्केट में भी लिस्ट है। दोस्तों यहीं पर ही खत्म करते हैं इस वीडियो को, एज वेल एज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।